हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं कोमल स्वागत करती हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल टिप टॉप वर्ल्ड में। टाइटल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि हमारी वीडियो है किस टॉपिक पे। जी हाँ, हमारी वीडियो है इस विटामिन ई पे। विटामिन ई हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पर आज हम यहाँ पे बात करेंगे टॉप 5 यूज ऑफ विटामिन ई। तो फ्रेंड्स, आइए हम जान लेते हैं कि विटामिन बी हमारे लिए कैसे और हमें कैसे यूज करना है और ये कैसे हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए यूजफुल है। मेक श्योर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं और ये बिल्कुल फ्री है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन में हम जितना मर्जी मॉइस्चराइजर यूज कर लें पर फिर भी हमारी स्किन कुछ समय के बाद ड्राई हो जाती है। आप इस विटामिन ई से अपनी स्किन को पहले से ज्यादा मॉइस्चराइज कर सकते हैं। आपको जनरली करना क्या, किसी भी मॉइस्चराइजर में आपको इस विटामिन ई को लेके ऐड करना है। देन आपको एज अ मॉइस्चराइजर, जैसे कि आप यूज करते हैं, आपको बस वैसे ही मॉइस्चराइजर यूज करना है। अब आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे मॉइस्चराइजर तो हमारी स्किन को पहले से ज्यादा ही मॉइस्चराइज करता है, पर इस विटामिन ई में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको यूज करके आपकी स्किन पहले से ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाएगी और ये आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, इसको ओपन करना है। मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी निडल या किसी भी चीज से कर सकते हैं। आपको करके थोड़ा सा अपने हाथ पे ले लेना है, देन इसमें मॉइस्चराइजर मिक्स करके अपने हाथों पे, अपने पैरों पे इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपका फेस जो है वो पहले से ज्यादा ऑयली हो सकता है। फ्रेंड्स, इस पॉल्यूशन भरी लाइफ में और मेकअप इस्तेमाल करने से हमारे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं और पिंपल्स तो चले जाते हैं कुछ समय के बाद अपना दर्द देके, पर रह जाते हैं कि ये हमारे डार्क स्पॉट और दाग और धब्बे। तो फ्रेंड्स, इनको हमें बहुत टाइम तक ये रहते हैं, तो इनको दूर करने के लिए हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, हमको नॉर्मली ये विटामिन ई लेना है। आप इसको चाहे प्लेन यूज कर सकते हैं, मैं फ्रेंड्स यूज करती हूँ एलोवेरा जेल के साथ। आपको नॉर्मली इन दोनों को मिक्स कर लेना है और जहां पे आपके पिंपल या डार्क स्पॉट है वहां पे आपको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका रेगुलर यूज करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको फर्क देखने को मिलेगा और प्लस एलोवेरा जेल के साथ आपकी स्किन जो है वो पहले ज्यादा ग्लोई और शाइनी भी बन जाएगी। चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या ऑफिस गोइंग हो या फिर जनरली हाउस वाइफ हो, ये डार्क सर्कल की शिकायत तो आजकल हर किसी को होती होती है। तो फ्रेंड्स, इन डार्क सर्कल को हम कैसे दूर कर सकते हो और कैसे ही हम कम समय में इनको अपने फेस से हटा सकते हैं, तो आपको नॉर्मली करना ही क्या है। आपको ये छोटा सा विटामिन ई है, आपको नॉर्मली लेना है अपने हाथों पे और आपको इस्तेमाल करना है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये पतंजलि का, आप नॉर्मली कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और आपकी जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसकी हेल्प से आपको अपनी आंखों के नीचे और ऊपर एज वेल एज अच्छे तरीके से आपको लगाना है और एटलीस्ट 10 सेकेंड तक आपको मसाज करनी है। देन आपको पूरी ओवरनाइट छोड़ देना है और आप देखेंगे कुछ ही समय में इसके यूज से आपको देखेंगे आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, विंटर में हमें चाप लिप्स की, ड्राई लिप्स और डार्क लिप्स की शिकायत आ ही जाती है, तो आपको करना क्या है। जनरली ये कैप्सूल लेना है और आपको आप प्लेन भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस कैस्टर ऑयल के साथ भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैस्टर ऑयल हमारे लिप्स को चापनेस की दूर करता है, ड्राइनेस दूर करता है, प्लस अगर आपके लिप्स डार्क है तो इनमें आप ये पिंकिश लिप्स आपके बनाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं और ज्यादा कैस्टर ऑयल के यूजेस तो आई बटन पे क्लिक करके उसके यूजेस देख सकते हैं। तो नॉर्मली आपको करना क्या है, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा लेके 2-3 ड्रॉप कैस्टर ऑयल की और थोड़ा सा विटामिन ई यूज करके अपने लिप्स पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। देन आपको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। सुबह आप देखेंगे कि आपके लिप्स में थोड़ा सा फर्क आएगा और अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको एक बहुत ही अच्छे पिंकी लिप्स देने की कोशिश जरूर करेगा। दीदी से दादी तक, मम्मी से मामी तक, आप सब अपने फेस को और अपने हाथों का तो बहुत ख्याल रखते हैं पर भूल जाते हैं अपने पैरों को और उसमें आ जाते हैं क्रैक हील। तो क्रैक हील की वजह से आपको कई बार बहुत ज्यादा दर्द का भी सामना करना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस विटामिन ई से आप अपने जो क्रैक हील को बहुत ज्यादा रिपेयर कर सकते हैं और अपने हील को बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। जनरली आपको करना क्या होता है, आपको इस विटामिन ई को थोड़ा सा लेना है, इसमें आपको ऐड करना है ये ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है उसमें लेमन होता है जो आपके हील्स में डर्ट होता है उसको दूर करता है, प्लस आपके जो पैर को सॉफ्ट बनाने का, प्लस पहले से ज्यादा ब्राइटन करने का और ग्लोइंग बनाने का भी काम करता है।
आप इसको आपको नॉर्मली दोनों चीजों लेके अपने हील्स पे अप्लाई कर लेना है देन, और एज वेल एज अपने पैरों पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आपको सॉक्स यूज कर लेने हैं, उसके बाद आप ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए, सुबह आप नॉर्मली अपने पैरों को वॉश कर लीजिए, और अगर इनके कुछ ही दिनों में यूजेस से आप देखेंगे कि आपके हील जो है वो पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और यूजफुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।